फाइनली दोस्तों मेरा माइक आ गया बोया BY MM1। तो चलो यार जल्दी फटाफट से उसका अनबॉक्सिंग करते हैं यार। तो इसका भी अनबॉक्सिंग करते हैं। ये जो रिकॉर्ड हो रहा है साउंड मेरा, ये तो मेरा फोन का ही है, फोन का ही साउंड है। चेक कर लेते हैं फोन को लगा साउंड क्वालिटी कैसा है। ये लग गया मेरा माइक में और अब ये लगेगा। जो आप साउंड सुन पा रहा है इसी माइक का है। जो बोया का माइक बेस्ट होता है, हम सुना है बहुत, या बहुत सारा यूट्यूबर भी यूज़ करता है ये वाला माइक। तो इसका साउंड क्वालिटी कैसा है और मेरा फ़ोन का जो रिकॉर्डिंग हो रहा था साउंड, उसका साउंड क्वालिटी कैसा है तो अभी मालूम पड़ जाएगा। देखते हैं बोया का साउंड कैसा है। तो आप लोग भी सुन के बोलिएगा कैसा लग रहा है आपका साउंड। ओके, ये ट्राइपॉड के ऊपर अब ये इसको लगा सकते हैं। दिया, अब देखते हैं इसका पंखा का जो आवाज़ होता है, साउंड होता है, स्पीड में चल रहा है। तो अभी जो ये रिकॉर्ड हो रहा है मेरा फ़ोन का माइक से ही रिकॉर्ड हो रहा है, काफ़ी बंद है, चालू कर देता है। फिर बोया का माइक लगा के देखता है इसका बैकग्राउंड नॉइज़ वगैरह कितना कैंसिल करता है। ये आ गया मेरा बोया वाला माइक। तो इसको अभी हम यहाँ फिट करेंगे फ़ोन में। अब देखिए पंखा का स्पीड, देखिए पंखा बहुत स्पीड में चल रहा है। सो इसका अभी देखता है बैकग्राउंड नॉइज़ वगैरह कितना कैंसिल करता है ये। फिलहाल अभी जो आप साउंड सुन पा रहे हैं ये मेरा बोया वाला माइक का ही है। पंखा चला हुआ है फुल स्पीड में, नहीं डाल सकते। तो इसमें आप माइक कैरी कर सकते हैं, ये वाला हो गया बोया वाला माइक, आप डाल दीजिए इसमें। और केबल वगैरह हो गया, कैमरा वाला, इसको भी डाल दीजिए, सारा आ जाएगा इसी बैग में। और ये आपका वो ट्राइपॉड वाला जो ठीक है, आप इसको बढ़िया से बंद। मुझे तो अच्छा लगा, इसका साउंड क्वालिटी वगैरह बहुत बढ़िया है। और आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना दोस्तों कॉमेंट पर। और मेरा ये नया चैनल है तो इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।